सम एक्सीडेंट्स आर सो स्ट्रॉन्ग दैट द चेंज डी एन ए ये कोर्ट दिया है पाकिस्तान की आयरन लेडी मुनीबा मजारे ने तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही एक्सीडेंट्स और इंसिडेंट्स के बारे में जो एक विक्टिम के लाइफ कोर्स को पूरी तरीके से ऑल्टर कर देते हैं एसिड अटैक्स ऑल ओवर द वर्ल्डर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट हीनियस क्राइम्स गिवन द अनक्लासिफाइड नेचर ऑफ क्राइम एंड लो कन्विक्शन रेट तो मैं हूँ गार्गी शर्मा फ्रॉम तरुण आई और आज हम बात करने वाले हैं एसिड अटैक्स इन इंडिया के बारे में अगर हम देखें कि एसिड अटैक की आके डेफिनेशन क्या होती है तो एज पर द लॉ वेबसाइट ऑफ इंडिया इज न्याय एंड लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इनके अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को एसिड एडमिनिस्टर करता है किसी ऐसी फॉर्म में जिसमें दूसरे व्यक्ति को नुकसान हो सकता है तो उसे एसिड अटैक कहा जाता है चाहे वो किसी के चेहरे पे एसिड स्प्लैश करना हो या फिर जैसे कि मेरठ का एक केस था जिसमें छोटे बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स की जगह एसिड ड्रॉप्स पिला दी गई थी इन सभी को एसिड अटैक के अंदर क्वालिफाई किया जाता है अगर हम देखें कि स्टैट्स क्या कहते हैं तो अभी रिसेंटली नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ही एक हिस्सा है ने एक रिपोर्ट रिलीज करी है क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जिसमें उन्होंने अकाउंट करे हैं कि किस किस तरीके के क्राइम हमारे देश में होते हैं किस किस लेवल पे तो इसके अनुसार वेस्ट बंगाल ने तीसरे साल ये लिस्ट टॉप करी है इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम एसिड अटैक्स दूसरे नंबर पर आता है आपका उत्तर प्रदेश अगर हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात करें तो बेंगलुरु

और जो सबसे ज्यादा मेनरेबल एज ग्रुप है वो है एटीन ईयर्स नाइन्थ से लेकर ट्वेल्थ स्टैंडर्ड की जो लड़कियां होती हैं क्योंकि उस वक्त आपका एक फिजिकल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है यू रियलाइज मेनी काइंड ऑफ इमोशंस तो उसमें एक इमोशंस भी आता है आता है दैट यू स्टार्ट लाइकिंग समवन एंड दे डोंट लाइक यू बैक उस वक्त पे सही गलत का पता नहीं होता है पीपल कैन टू डू दीज थिंग्स अगर हम बात करें कि कितने केसेस हुए हैं तो 2015 से 2016 से 2021 तक करीब करीब आपके हजार से भी ज्यादा केसेस हुए हैं जिसका मतलब है कि एनुअली आपके से कम कम से 200 केसेस तो होते ही हैं अब देखिए आप चाहे स्टैट्स को कम माने या ज्यादा माने ये क्राइम इतना बड़ा है कि इसके ऊपर कोई सफाई काफी ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में अपना वर्डिक्ट देते हुए कहा था कि, कि किसी को मारने से भी ज्यादा बुरा है किसी के ऊपर एसिड फेंकना क्योंकि वो अपनी पुरानी लाइफ में उस तरीके से जा ही नहीं सकता जैसा वो उस इंसिडेंट से पहले था अगर हम बात करें कि ग्लोबली 80% परसेंट ऑफ द विक्टिम्स विक्टुमन सिक्सटी परसेंट ऑफ़ द केसेज गो अनरिपोर्टेड देखिए अगर हम इंडिपेंडेंट एजेंसीज की माने तो उनका कहना है कि सबसे ज्यादा जो केसेज होते हैं वो होते हैं आपके रूरल और सेमी रूरल एरियाज में और वो केसेस अनरिपोर्टेड जाते हैं जिसका मतलब है कि मेजोरिटी जितने केसेस होते हैं उससे ज़्यादा केसेस तो अनरिपोर्टेड जा रहे हैं एंड something which is very disturbing. It is कि 76% of the attacks are committed by the people who are known to you. अब देखते हैं कि consequences क्या होते हैं acid attacks के अगर हम broadly classify करें तो सबसे पहला होता है physical, psychological, medical and societal. फिजिकल में अगर हम बात करें तो एसिड एक ऐसी चीज होती है जो स्किन को जला देती है अगर हम एग्जाम्पल लें कंगना रनौत की जो बहन है रंगोली रनौत का उनके ऊपर भी एसिड अटैक हुआ था जिसमें उन्होंने बताया है कि करीब करीब 50 से 60 उनके ऑपरेशन हो चुके हैं सर्जिकल ऑपरेशन हो चुके हैं लेकिन अभी भी वो पूरी तरीके से ठीक नहीं है उनकी स्किन आपके मेरे जैसी नहीं है इतना इम्पैक्ट पड़ता है आपने आपको याद होगा कि जब आपके एक होते थे या अभी भी होते हैं तो आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं अरे मैं कैसा दिख रहा हूँ अरे मेरा एक कैसे दिख रहा है तो कोई इंसान कुछ ऐसा कैरी करके चल रहा है जो उसका है ही नहीं उसके ऊपर ये कितना भारी होगा और सिर्फ इतना ही नहीं इसमें हमेशा जलन रहती है अगर एसिड अटैक बहुत ही ग्रेव हो तो अगर 60-70 परसेंट आपकी इंजरी सस्टेन हो गई हो तो बहुत ही ज्यादा जलन रहती है और सोसाइटल प्रेशर ये होता है कि सोसाइटी भी आपको एक्सेप्ट नहीं करती है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एसिड अटैक विक्टिम्स के लिए अभी भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है अगर ये लोग रोड पर भी चलते हैं तो लोग पलट पलट के देखते हैं जिसमें मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या है पर्सन हुए साइकोलॉजिकली भी उस इंसान को बहुत इम्पैक्ट करती है ऐसा देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द केसेज में जो फैमिलीज होती हैं वो ही विक्टिम को एक्सेप्ट नहीं करती हैं तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं एसिड अटैक्स के उसके बाद चैलेंजेस इन कंट्रोलिंग एसिड अटैक्स देखिए दो से पहले कोई भी इंडिपेंडेंट लॉ नहीं था एसिड अटैक विक्टिम्स के लिए उससे पहले क्या होता था सेक्शन नंबर 302 और 307 हंड्रेड टू मर्डर के अंदर ही चार्ज किया जाता था आपका एसिड अटैक लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्टिव जारी किया और उसमें जो है कहा गया कि आप एसिड अटैक के सेल को एडमिनिस्टर करेंगे ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी गाइडलाइंस दी थी कि एसिड अटैक के सेल को एडमिनिस्टर करा जाएगा फिर आया आपका क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट जिसमें कि अलग से एसिड अटैक को एक क्राइम माना गया है और मिनिमम जो सजा है वो सजा बताई गई है दस साल विच कैन एक्सटेंड अप्रेजमेंट और आपका तीन लाख तक का फाइन लगेगा ठीक है? है so, तो सबसे पहला इजी अवेलेबिलिटी ऑफ एसिड सबसे पहले तो चीज ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में ये चीज बोली थी कि आपका जो एसिड है उसके लिए रिटेल सेलर्स को लाइसेंस लेना होगा तभी आप बेच सकते हैं और उसके बाद भी जो इंसान खरीद रहा है उसकी बुक कीपिंग होनी चाहिए उसे फोटो आईडी और अपना एड्रेस प्रोवाइड करना है लेकिन ये सब आज भी नहीं होता है ऐसे बहुत ही इजीली अवेलेबल है मार्केट में फिर लो कन्विक्शन रेट देखिए अगर हम रिपोर्ट की माने तो कन्विक्शन रेट अराउंड थर्टी फाइव तो टू सिक्स थर्टी फाइव तो टू फोर्टी परसेंट के बीच का है जो कि बहुत ही कम है आपने कोई ऐसा क्राइम करा है जिसने किसी की लाइफ को पूरी तरीके से इंपेक्ट कर दिया है ये कोई एक्सीडेंट नहीं है कि हाथ टूटा पैर टूटा थोड़ी दिन बाद ठीक हो जाएगा ये कुछ ऐसा है कि आप अपनी आइडेंटिटी ऑलमोस्ट लूज कर चुके हैं फिर आता है लैक ऑफ ट्रिंज एंड रेगुलेशन जो कि अब धीरे धीरे ठीक होती जा रही हैं अब थोड़े कम केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं पहले के अनुसार सबसे ज्यादा केसेस 2016 में थे और सबसे कम केसेस अब तक के 2021 में हैं उसके बाद आता है सोसाइटल एटीट्यूड एंड स्टिग्मा ये भी एक चीज है जो सोसाइटी का एटीट्यूड है ना वो भी बहुत ही ज्यादा रिवेंज भरा हुआ है अच्छा इसने मुझे ये कह दिया अब मैं इसे बदला लूंगा ंग्स को यू कांट हैव इट ऑल एंड यू डोंट नीड टू टेक रिवेंज फ्रॉम एवरी वन वो भी इतनी ग्रेफ तरीके से उसके बाद हम देखते हैं इनिशियटिवेक uh, तो सबसे पहला तो है आपके जो लॉज uh, आए हैं क्रिमिनल लॉ प्रनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट जो आया था जिसमें एसिड अटैक को अलग से क्लासिफाई किया गया था ये पोस्ट निर्भया रेप केस के बाद हुआ था जिसमें कि इन सब चीजों पर हाईलाइट किया गया था फिर रेगुलेटिंग एसिड से आपके सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइंस दी हैं और आपके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी गाइडलाइंस दी हैं कि बुक कीपिंग होनी चाहिए और जो भी सेल कर रहा है और जिससे ली जा रही है उन सबके बारे में जो है आई प्रूफ के साथ आपके वैलिड चीज़ें होनी चाहिए कि कल अगर कुछ ऐसा होता है तो हम विक्टिम को एक एकदम से पकड़ सके फिर आता है कंपनसेशन एंड रिहैबिलिटेशन देखिए ये डैमेज की बात की बात है स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है कंपनसेशन प्रोवाइड करती है और जो कंपनसेशन अप टू थ्री लाख समथिंग होता है और रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करती है जो हॉस्पिटल uh, का खर्चा होता है वो स्टेट गवर्नमेंट उठाती है वो विक्टिम का नहीं होता है बट यहां तक बात क्यों पहुंचानी है तो हमने आज बात करी एसिड अटैक्स इन इंडिया के बारे में आई होप यू लाइक द वीडियो वील मीट इन द नेक्स्ट वन थैंक यू सो मच फॉर हैविंग